तो ये आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान खुद एक दिन आतंकवाद के कब्जे में आएगा और आतंकवाद ही इनको खाके जाएगा। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर ये घर के पास ये धमाका हुआ और धमाके से इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो आज पाकिस्तान का लाहौर ये इस वजह से सुर्खियों में रहा कि बड़ा धमाका हो गया लाहौर में। आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ये बड़ा धमाका हुआ, 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। लाहौर में जोरदार धमाका हुआ, गाड़ियों तक के परखच्चे उड़ गए। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की कितनी ज्यादा थी। MS बिट्टा साहब भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिट्टा साहब, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि जिस तरीके से आतंकवाद पैर पसार रहा है पाकिस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आतंकवाद पर रोक लगाने की बात होती है तो पाकिस्तान मुखरता के साथ में जवाब क्यों नहीं देता है? क्योंकि आज जिनको पाल पोस कर बड़ा किया गया वो अपने ही घर को आग लगा रहे हैं। देखो, ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत रही है कि आतंकवाद को, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, इन्होंने अपने आतंकवाद के पैर फसारने के लिए एक वहां पे एक आतंकवाद की फैक्ट्री बना रखी है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी बेगुनाह का कत्लेआम हो, किसी बहन का सुहाग उजड़े, को बच्चा यतीम हो, को खून की नदियां बहे, बच्चे स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बच्चे मारे जाए। वो बच्चे उनके नहीं, बच्चे हमारे भी थे। हिंदुस्तान नहीं चाहता, पर पाकिस्तान की ISI चाहती है कि वहां की राजनीति चाहती है, ISI चाहती कि वहां के लोग उलझे रहे, इनको उलझा के रखें। अरे, खाने को इनके पास रोटी नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए इनको पैसे नहीं, और ये आतंकवाद को जब बढ़ाएंगे तो आतंकवाद एक दिन इनका ही गला पकड़ेगा। आप देखिए बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ और कई ऐसे लोग, उनका क्या हशर हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे ISI जो है वही उस मुल्क को चलाती है, ना कि वहां के पॉलिटिशियन चलाते हैं। जिस मर्जी पॉलिटिशियन को कभी भी गर्दन मरोड़ करके उनको साइड में कर दे। तो ये आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान खुद एक दिन आतंकवाद के कब्जे में आएगा और आतंकवाद ही इनको खाके जाएगा। बिट्टा साहब, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि भारत की अगर हम बात करें, जब पेशावर का हमला हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि भारत ने किस तरीके से मानवता की मिसाल पेश की थी, लेकिन उसके बदले में हमेशा भारत को पुलवामा हमले, मुंबई हमले जैसे जख्म मिले हैं। पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा है, डिफेंड नहीं कर सकते। पर हम कहते हैं हम पहले भारतीय हैं, हमने शरीर के ऊपर बम खाए हैं, और बम गोलियां किसके खाए हैं? पाकिस्तान की ISI से। याद रखिएगा भाई साहब, आप एक अच्छे पत्रकार है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो याद कीजिए 93 का वक्त, जब वाघा बॉर्डर पे लाखों की भीड़ लेके मैं आ गया था, लाखों की भीड़, और कहते थे बिट्टा को गोलियों का निशाना बनाएंगे, और कहा था बिट्टा की गोलियों का निशाना लाहौर में तिरंगा झंडा लहरा के होगा। देखिए वो वक्त देखिए, जहां जहां 93 में ब्लास्ट किया था दाऊद इब्राहिम ने, कहां पे बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट किए, किसने किए? ISI ने किए। पार्लियामेंट पे हमला किसने किया? ISI ने किया। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को बम्बों से उड़ा दिया, किसने किया? ISI ने किया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद है वो ISI का दिया हुआ है, वो पाकिस्तान का दिया हुआ है, हमारा आतंकवाद दिया हुआ नहीं है। अगर पंजाब का भी आतंकवाद था तो पंजाब का आतंकवाद पाकिस्तान ने बॉर्डरों से दिया था। जनाब साहब, क्यों नहीं आखिर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं? कब तक आखिर इनको शील्ड करते रहेंगे? कब तक आखिर इनको यूं ही पालते पोसते रहेंगे जो आप ही के लिए खतरा बन गए? देखिए, पालने पोसने वाली जहां तक बात है, मैं आपसे बड़ा कैटेगरी क्लियर कर दूं कि इस वक्त हाफिज साहब जेल में हैं, हमने उनको सजा दी। आपकी तरफ से एक मुझे लगता है कि हम सब इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हमें सब आपत्ति है, आप उसे हाफिज साहब बुला रहे हैं। हाफिज साहब, यही से पता चलता है कि आप आतंकवाद को पालते हैं। आपने हाफिज साहब बोला,
आपने आतंकवादी को हाफिज साहब बोला। बिट्टा साहब आपसे पार्लियामेंट की घटना, मैं बिट्टा साहब से अग्री करती हूँ और मुझे लगता है मेरे साथी एंकर्स भी अग्री करेंगे, ये गलत तरीका है। याकूब साहब आप हाफिज सईद को एक गुनाहगार आतंकी को हाफिज साहब कह रहे हैं। किसी आतंकवादी को साहब बोलूंगा तो मैं गुनाहगार हूँ जनाब, मैं गुनाहगार हूँ। आप सारे इकट्ठे हाफिज, आप सारे आतंकवादी हैं, मेरी बात सुन ले। मैं हाफिज सईद को दहशतगर्द कहता हूँ, कन्विक्टेड दहशतगर्द है हाफिज साहब। हमारा एक एक जबान के ऊपर एक जो आपकी एहसास होता है ना, वो वाली बात हो जाती है कि एक हाफिज है कि कुरान का हाफिज, तो हम उसको नॉर्मली हाफिज साहब कहते हैं, लेकिन मैं उसको दहशतगर्द कहता हूँ। चाहे भले मैं उसको हाफिज साहब कहता हूँ, मैं उसको दहशतगर्द कहता हूँ। उसने बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बिट्टा साहब, जैसा अब्दुल साहब अभी जवाब दे रहे हैं कि हम मुलाकात करते थे, हम जानते थे, तो पाकिस्तान में सबको मालूम होता है कि आतंकवादी संगठन कहाँ है, कहाँ बिल बनाकर छुपे बैठे हैं, लेकिन अचानक से इनको पता चलता है कि ये आतंकवादी हैं। इतनी मासूमियत आखिरकार। चलो एक बात मैं कहूँ, अब्दुल साहब ने जो उसको दहशतगर्द कहा, आतंकवादी कहा, और बाद में लश्करे तोबा के साथ जोड़ा, देखो हम उनको इस बात के ऊपर, मैं नहीं कहूंगा कि उनको जरूरत से ज्यादा मैं कुछ कहूँ, उन्होंने कुछ 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 चीजें मानी है कि वो दहशतगर्द है, वो लश्करे तोबा को फंडिंग देता था। सवाल सबसे बड़ा ये है, हमारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? हमारी पाकिस्तान के आम भाई बहन, मेरे बच्चा है वहां पे, उसकी हिंदुस्तान के लोगों की क्या दुश्मनी? मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी वहां के कुछ और लोगों से क्या दुश्मनी है? हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो? पर आईएसआई के खिलाफ वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हमारी तरह क्या आवाज उठाएंगी कि सबसे बड़ी आतंकवाद की फैक्ट्री आईएसआई है? न पाकिस्तान को तरक्की करने देती है, न हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्द को खत्म करने देती है। क्या वहां की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की आईएसआई के खिलाफ आवाज उठाएंगी? जिस दिन उठाएंगी, पाकिस्तान में अमन शांति होगा, हिंदुस्तान में अमन शांति होगा, किसी बहन का सुहाग नहीं मिलेगा, बच्चा यतीम नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आईएसआई के खिलाफ सबसे पहले वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को अपना बिगल बजाना होगा।